एक वक्त वो था जब शहर में टैक्सी स्टैंड यानी कि प्राइवेट टैक्सी स्टैंड बाल उद्यान के समीप हुआ करती थी। सड़क चौड़ीकरण के बाद वहाँ जगह बची नहीं, इसलिए वहाँ से उन्हें हटा दिया गया। जिन्हें जहाँ सहूलियत हुई वहाँ टैक्सी स्टैंड बना लिया गया। उसी में से एक टैक्सी स्टैंड पुरानी सरकारी बस स्टैंड के सामने जज के आवास के ठीक गेट के पास लगाई जाने लगी। 3 साल से वहाँ लग रहे टैक्सी स्टैंड के रूप में वो टैक्सी स्टैंड के रूप में जाने जाने लगी थी, लेकिन कल अचानक पुलिस द्वारा उन्हें वहाँ से हटने को कहा गया और थोड़ा सा बल प्रयोग भी किया गया। ये ऐसा टैक्सी स्टैंड के ऑनर और ड्राइवर कह रहे हैं। मुंडा कुमार नाम हुआ। कैसे और कब हुआ ये घटना? कल सुबह करीब 8:30-9 बजे के बीच में हुआ है। ठीक है, हम लोग का गाड़ी यहाँ पे एक भी नहीं था। हम लोग साइड में बैठे हुए थे, ठीक है, ट्रांसफार्मर के बगल में। इसके बाद पुलिस आया कि भेजे आया, बस डंडा उठा के मार देने लगा, रपटने लगा, रपट के काहे क्या बोल गए, क्या बोल गए? कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला कि यहाँ तुम लोग हटो या क्या करो, कुछ नहीं, आके बस देने लगा लाठी। कितने दिनों से यहाँ गाड़ी लगा रहे हैं? गाड़ी तो हम लोग कम से कम बहुत दिन पहले से लगा रहे हैं। तो इतने दिन से कभी विरोध नहीं किया था? विरोध किया था पहले, अभी कहीं जगह दूसरे जगह लगाने के लिए बोल रहे हैं। पार्किंग हम लोग दे रहे थे। किसको पार्किंग दे रहे थे? तेजू मियां को दे रहे थे हम। उन्होंने कहा कि टैक्सी स्टैंड को यहां से हटाने की बात कही गई है और हम अगर अब जाएंगे तो जाएंगे कहां, हमारे लिए कोई निर्धारित जगह बची नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम 3 साल से यहां पर टैक्स दे रहे हैं, हमसे टैक्स वसूला जाता है, तो हम यहां से क्यों हटे। लेकिन पहले उनकी बात सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं और कौन उनसे टैक्स वसूलता है और पूरी क्या है कहानी वहाँ की। क्या घटना हुआ? अरे घटना क्या, इसके पहले जो हम लोग गाड़ी घोड़ा यहाँ पर लगा रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, सब बढ़िया से सुचारू रूप से चल रहा था। इसके पहले जो घटना घटी थी उसमें सब मिल के थाना प्रभारी और प्लस जो है विधायक मिल के दिया था कि जब तक आप लोगों को कहीं निश्चित जगह नहीं मिल रहा तब तक आप लोग यहाँ लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गेट उनका छोड़ के और लगाइए। लेकिन कल 2 रोज से जबकि अभी आए नहीं है सीजीएम साहब या जिनका अभी डेरा इनको अलॉट हुआ है वो आए नहीं है। उसके पहले से मारपीट थाना प्रभारी लोगों का जो पेट्रोलिंग पार्टी है, कल भी वहां पर बैठा था दीवार पर, वहां पर भी मारपीट कर दिया। ये सब तो गलत बात है। तो आप लोगों को कहीं जगह अभी अलॉट नहीं किया गया? नहीं, अलॉट अभी लिखित रूप से कहीं नहीं मिला था। ऐसे बोला गया था कि सरकारी बस स्टैंड के अंदर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जो है कूड़ादान वगैरह करके इतना ही गंदगी फैला हुआ है कि वहाँ पर रहने योग्य नहीं है। उसी के अंदर में दुकान वाला और दुकान वाला भी लोग भी वहाँ पर गुमकी वगैरह रखा है, इसलिए के बोला था जब तक आप लोगों को स्थायी नहीं मिला है तब तक आप लोग यहाँ पर लगाइए, सिर्फ गेट छोड़ के लगाइए, कहीं कोई। इसका पार्किंग शुल्क कितना देते थे? पार्किंग शुल्क 10 रुपया लेता था। 10 रुपया? हाँ, 10 रुपया लेता था। तो कहाँ देते थे उस पैसे को? पैसे जो तेजू जी को मिलता था पैसा वही उठा के ले जाता, वही उठा के ले। कोई पर्ची वगैरह रसीद वगैरह उसका? रसीद क्या, ऐसे जनरली वो आते थे, जो भी होता था वो उठा के पैसा ले जाते थे। किसके साथ मारपीट हुआ और क्यों हुआ, इसका विरोध आप लोग क्या कर रहे हैं? विरोध हम लोग क्या करेंगे, सरकार के सामने हम लोग का विरोध क्या है? हम लोग कमाने खाने हैं, किसी से विरोध करके क्या मतलब है? हम लोग को गाड़ी यहाँ लगाते हैं या कोई स्थायी जगह हम लोग को दे दे ताकि हम लोग भी गाड़ी लगाएं, कमाए खाएं, और हम लोग विरोध किस लिए करें। तो अभी विधायक जी को बुलाए? विधायक जी आए थे, उन पर कुछ बात रखे हुए थे और सब ऑनर लोग ड्राइवर लोग आ रहे थे, प्रदीप भैया उधर से तो रोज के यहाँ से रखे थे, बोला ठीक है हम आते हैं, तो वो आते हैं क्या आश्वासन देते हैं। तो पिछले बार भी तो इसी तरह हुआ था, तो थाना प्रभारी और प्लस विधायक जी अमित बोल रहे और क्या बोलते हैं नगर परिषद उन्होंने बोला था फिलहाल आप लोग यहाँ पे गाड़ी लगाइए, जब जगह हो जाएगा आवंटन तो आप लोग वहाँ पे लगाइए। तो हटाने को लेकर कुछ नहीं बोला गया था आप लोगों को? नहीं, हटाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं बोला, सीधा आके मारपीट हो गया? नहीं नहीं, हटाने के लिए एक दिन पहले हटा दिया था, खुद स्पेशल थाना प्रभारी आए थे, बोले थे एक एक आदमी को बोले थे आप लोग यहाँ गाड़ी मत लगाइएगा, गाड़ी मतलब एक दिन, लेकिन गाड़ी तो लगा हुआ नहीं था और वहाँ शायद उसको पता नहीं, वहाँ 3-4 आदमी कल थे वहाँ, तो मारपीट हुआ क्या हुआ तो उतना डिटेल हम नहीं बोल पाते हैं, हम हैं ही नहीं थे यहाँ। दूसरा नंबर, वो गेट के सामने इसलिए गाड़ी लगा हुआ था क्योंकि 1 साल से बंद पड़ा था ये जगह, वो पीछे कोई साहब थे नहीं, 1 साल से बंद पड़ा था तो लोग सोचा वहाँ कोई आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आता गाड़ी लगा हुआ था। इसलिए बीच में जो है ना यहाँ पे कलर का काम चालू हुआ, शायद कोई साहब आने वाले हैं जिसके कारण से उनको इंस्पेक्शन में आ गए, क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, जो साहब आ रहे थे उनको दिक्कत हो गई अंदर घुसने में, इसीलिए आप लोग हटाया गया। उसके बाद नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल मौके पर पहुंचे हैं और खाली पड़े सरकारी डिपो में इन्हें जगह देने की बात कर रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि यहाँ गाड़ी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये व्यवहार न्यायालय के जजों के आवास हैं और यहाँ किसी भी कीमत पर गाड़ी लगाना संभव नहीं है और अवैध रूप से वसूले जा रहे टैक्स के पर उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे भी संज्ञान में ये बात है, मैंने भी उच्च पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है और नगर परिषद के अधिकारी पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो आपको सुन लेनी चाहिए। सर क्या गलती दोनों का है? हाँ। ये हाई सिक्योरिटी जोन है, इन लोगों को नहीं समझ में है, ये व्यवहार न्यायालय के जज साहब का क्वार्टर है, यहाँ तो लगना ही नहीं है। हम भी बोले थे अंदर, उन लोगों को अंदर दिए हैं, गंदा उंदा है, हो रहा है साफ हो के इनका गाड़ी परमानेंट पार्किंग के तौर पर अंदर लगना। इनका कहना है कि नगर परिषद के ही किसी शख्स द्वारा यहाँ से पार्किंग भी वसूला जा रहा है। वसूला जा रहा है, हम तो हमेशा कहते हैं, आप लिख के नगर परिषद आज तक नगर परिषद के स्टाफ पार्किंग नहीं वसूलते हैं, नहीं हटिया, हमने कहीं ना कहीं किसी हटलेसी को दिया है, उसके आड़ में अगर कोई गलत कर रहे हैं तो वो गलत है, आप लिख के दीजिए। ये लोग कह रहे हैं तेजू मियाँ, आप तेजू मियाँ का नाम तो लिख के दीजिए। आपने कहा कि इसकी सूचना आपको पहले से भी है, वरीय अधिकारी को कही गई है, नहीं, लेकिन कार्रवाई नहीं। वरीय अधिकारी सब कान में तेल देके सोए रहते हैं, वो यही कहेंगे कि हमको लिखित में चाहिए, आप समझिए, वरीय अधिकारी कान में तेल देके सोए रहते हैं। मैंने सबों को कहा है, वसूला था, लेकिन आप लिख के तो दीजिए। मान लिया ठीक है, बड़ी पदाधिकारी को हम कह रहे हैं, लिखित नहीं है, उसमें क्या, आपको लिखने के लिए तैयार नहीं है? अभी लोगों को क्या प्रमाण व्यवस्था दिया जाए? इनका है, इनका हम दे रहे हैं वहाँ अंदर में, एसडीओ साहब भी बोले हैं उस दिन भी आते हुए, टोटल अंदर में रहेगा, आप अंदर रखिए ना गाड़ी। इन लोगों का एक शिकायत और भी है कि जैसे कि पानी टंकी के सामने लगाया जा रहा, बस स्टैंड के सामने लगाया जा रहा, सबको एक जगह किया जाए ताकि जितने भी ग्राहक है वो सब एक जगह पहुँच पाए। पहले बात तो समझिए, हमसे वो मांग है, हम प्रशासन को कह सकते हैं, हम डंडा ले जाके चला नहीं सकते, प्रशासन डंडा चलाए उन पर, इससे इतर एक वहाँ से हटा के लाए एक जगह, हम जगह दे रहे हैं वहाँ बैठे, रोड जाम मत करें। इसके अलावा आपने कहा कि ये जो जोन है ये दो पहिया वाहनों के लिए है जहाँ पार्किंग हो सकता है, कौन इसमें पार्किंग कर सकते हैं, क्या शुल्क है, कैसे गाड़ी पार्क करेंगे अगर कोई बाजार आते हैं? शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं है इसमें, आप गाड़ी खड़ी कीजिए, आपको कोई शुल्क, ऐसे था 5 रुपया या 2 रुपया था, हमको देखना होगा, बहुत सारे शुल्क है, लेकिन ऐसा कोई शुल्क नहीं है, लेकिन ये है कि पार्किंग करना, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों में चोरी बढ़ी है गाड़ियों की, अगर ये पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो तो शायद लोग यहाँ गाड़ी लगा कर बाजार घूमने जा सकते हैं। हाँ ये है, पार्किंग का कर रहे हैं हम लोग, यहाँ भी क्यों लगने दें पार्किंग, ये तत्काल है, पार्किंग तो अंदर दे रहे हैं ना, आप अंदर गाड़ी सुरक्षित रखिए ना। दो पहिया वाहन की बात कही आपने कि ये पार्किंग है, यहाँ पर फाल सब पार्किंग मीन्स ये नहीं है कि किसी को लगा के पैसा लेना है, वो पार्किंग, पार्किंग मीन्स कार पार्क करना है खड़ा करके, चूंकि जगह ज्यादा है तो खड़ा करके 1-8 घंटा 5 मिनट 10 मिनट के लिए मोटरसाइकिल खड़ा करके सब्जी लेके जा सकते हैं। वो भी कैसे जाएंगे जब फल वाले हैं, ठेले वाले हैं, वो जगह लेके रखे, तो आखिर आम लोग अपनी गाड़ी मार्केट आए तो कहाँ, वहाँ कहाँ लेके रखें, ये तो खाली रहता है।